कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कुए में शेख फरीद न किसी मीठी बोली बासा, कुए में शेख फरीद न कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर कामासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर कामासा, मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा, मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा, जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क, वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे अर्क, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लागी का मार्ग। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाही, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का लग चोट काल जा करके, लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अपुन आत्मा अपरमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्य आत्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर होए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण, जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके प्रमाण कहाँ है, और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक संसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं, यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही सजा, उसको तो होनी होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे, नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को,
उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। ये नकली संतों ने सतनाम सतनाम घोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ, क्यों सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने पंथों ने राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने ही न सतनाम कहे ना पता नो कहे, वो है सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम और सत सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, पांच नामों में ओंकार जो ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन सोम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यूं खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कदे भी ना सूतमा होया बात, क्योंकि ये कोई ये कहते हम भी तो वही हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि पांचों नाम काल के जानो, वो पांचों नाम काल के तो ये पुण्यात्मा वो भगत वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहां पहुंच चुके हो, आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्मा लेना। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे लेकिन भगवान का नौकर समझ कर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे, स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, सौ सौ मन घी के कई यज्ञ किए, और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए। और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं, कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान, तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया सतनाम सतकर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की आप, बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यस्त व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना शर्पा धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम गाड़ी राम नाम की गाड़ी में, ये पंचर नहीं करना। हमने यहाँ से बचा कर अपना सतलोक चलना है, अपने भाइयों को बहनों को रिश्तेदारों को माता को पिता को सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे, एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना है। अब जैसे सबसे पहले आपको पांच नाम दिए जाते हैं, ये पांच नाम जो हैं और जो दो नाम इनके साथ वो फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल पांच नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे वो भी पांच नाम देते थे, केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल पांच नाम देते थे। वो पांच नाम कौन से थे, ये अलंकार ओंकार ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परमपिता का है,
ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस सात मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में गने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये दोनों मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये सात मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो पांच मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन, जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है, वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था, तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये सात मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी छह एक साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या करें ना, चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे और अब एक के दो जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और दो दो जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला, जब सत सुमरण हो लाख वर्ष का जीवन आलेख रहनी को, तो ऐसा नहीं कि दो तीन जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बनाकर, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहां से नफरत हो जानी चाहिए, यो के जीवन है, आज मनुष्य जीवन है कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया, जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं है माया कहां से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहां से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी और भक्ति डटका आप कर ही रहे हो क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये दो अक्षर का, इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से, जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास ये भेज दिया इनको सबको समझ के समझा के, आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा कर आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी का चोर चेक गाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे
और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था जहां उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी चौदस रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहां उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ, वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकार ही वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहां खोजे, कहां किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बज नो का नो बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली चौदस चांदनी चौदस को, यानी शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन वहां पहुंच गया सामने, और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में थी चांद की रोशनी में, वहां निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहां खोदो, वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो, इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव, ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो,
जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्मा, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है, शायद बहुत ही युगों के पाप, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है ये समय आपका मनुष्य जीवन। इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहाँ जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, दिनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो है, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं। और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से, वाणी चुरा कर, ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये पांचों नाम काल के देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नौ दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु हैं, इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो पांच मंत्र है वो भी उस करने नौ दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये पांचों मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन पांचों काल के सेलेक्ट कर लिए,
काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए, जो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अन अधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बेनक भी कोनी, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी, ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था, पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महा उपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500-500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500-500 के नोट डुप्लीकेट छाप कर दुनिया को ठग रहा था, जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रही है। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि इन ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए, और वो जो पार हुए वो मंत्र वो संत उनको ये भी मानते हैं राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का
आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधोगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा भारतवर्ष वाले, आदरणीय गीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत वाले, इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहेब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहेब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार और सतनाम सतनाम कति ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। इनका हमारा सतनाम राधा स्वामी, और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सारसबद भी सतनाम, और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में, जिन जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन पांच नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग एक, सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से दो भागों में पूरा पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवा नाम गुप्त कर रख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह बेचारी जान बूझ दानी झकमारी, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम जीव जो बाख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या। अब इन छठवें नाम का पता ना, ये पांचों नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति नरेंद्र सोहम और सतनाम, अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले, ये केवल पांच नाम के जाप करते हैं, पांचों नाम काल के जानो अपने आत्माओं। ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है, वही जो के तुम विचार इनके अंदर हैं। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर
श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। ब्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर लिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं, ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये पांच नाम जाप किया करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये है श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से ये छपी है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों में। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था, ये देखिएगा। और गुरु क्यों नहीं था, लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं, तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अपुण्य आत्माओं ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्मा किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी को भी गुरु के भी गुरु थे। अपने आत्माओं गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु अग अधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले, कौन मिले?
अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे, ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मैला पहला की वाणी में जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई, 946 पृष्ठ पे लिखा है। बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु बैठे महादुख पाई, नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल बिन सतगुरु सेवे जोग ना हुई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई, बिन सतगुरु बैठे नाम न पाया जाई और बिन सतगुरु बैठे मां दुख पाई। प्रश्न नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मैला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हार है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई ना जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुरु बीच आप रखिया नो कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाई, कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कहे सुन जन्म जन हो इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना, सच्चा गुरु हो पूरे गुरु से बात बनेगी, सच्चा गुरु हर नाम सत सरना और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना, सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे, बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन कह नानक पूरा, कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुरु बिलिए शब्द भय रचे, आप पे वसे मन आई, बाहिरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो, वृथा जन्म गवाई और सन्मुख कर्म कमावणे दर्ग मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई और अंतर तेरे हरि वसे, गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। मैला पहला के अंदर मैला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे, मैं गुरु पूछ आपना सत विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना सात विचारी राम, 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर मैला पहला की वाणी, बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी दस
सदवार जिन मानस से देवता की करत न लाठी वार। आपी ने आप साजिया आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू तुस देव ही कर्म पसाव तू जानो ही सब से दे सलही जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। सब कुछ कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर के तू दो कुदरत साज के यानी दो दुनिया बना के एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक अकह लोक जिसको कहते हैं और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते दाता करता आप तू और तुसी देव ही करण पसाऊ तू जानो ही सब से देश लही जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पर कहते हैं मैला पहला की वाणी एह जीव बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में एक बार फिर आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहाँ से छपी अमृतसर से चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माया सेवा अमृतसर इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था उससे वार्ता हो रही है नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की उत्पत्ति की वो आलम माने परमात्मा बड़ा माने सबसे बड़ा कबीर माने कबीर वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने यह भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है कबीर अलग है कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो उसकी उसकी भक्ति करो इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में देखिएगा ये देखिएगा इस जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशित हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी।
पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी, ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानो करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुबारक खान। मुबारक खान जी आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश औरैया जिला दहगांव के रहने वाले हैं। मुबारक खान जी आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ये जो हम नमाज पढ़ने जाते जुमे की, हम उसमें जाते तो थे लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी, वहाँ मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था कि गए हम उनके मुल्ला जी के पीछे अपने, गए नमाज पढ़ी बस चले आए, उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। रात दिन तो मेहनत करता था लेकिन पाठ में परिणाम 0-0 ही आता था महीने में। आते आते तो हमारे बच्चे लड़की को वो निमोनिया हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही हमारे बच्चे बोलने लगे कि आप मानते ही नहीं हो किसी को। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो हैं, जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ ले आया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गांव के एक रह रहे हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मज़हब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा ज्ञान है भाई, पढ़ना है, तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर प्रश्न मिलने लगे मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25:58 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त विराजा, वो अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मेरे नूर, ये कहते हैं लोग नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो। तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी, तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाए देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं, एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दक्षिणा ली। सर आपने बताया कि आप अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान शरीफ में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में बरवाला आश्रम में मिला, तो आपको अजीब नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक हिंदू संत की शरण में जा रहे हैं? मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे
मजहब नहीं देखना, मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं, इनको तोड़ो और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो, तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जब नाम जितना ली हमने, तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर आपने बताया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और कुरान शरीफ को भी मानते थे, मस्जिद में भी जाते थे, तो मुसलमान धर्म में की गई आपकी भक्ति साधना से, इबादत से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोजे भी रखता था, तब मेरे आँखों के सामने मेरा बेटा, 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोजे भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है, तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम शायद हम धन जोड़ें ये दुनिया के, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीना ना पड़े। और हम पहली की भक्ति से हमारी बच्ची को निमोनिया रहता था, वो भी उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी परेशानी थी हमारे जीवन में। सर आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे, तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे के ऐसी पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका ख़राब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था उसने देखा, तो संत रामपाल जी के ये रोज आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ, हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है, सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो माई संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर, वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको, आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या हम कोई चीज नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुड़ा गुटखा ये सब चीज़ें मांस मदरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है ना, तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले, तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आए और अल्लाह खुदा राम गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग, ये अल्लाह ने मजहब नहीं बनाया या राम ने कोई मजहब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है, और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।